नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल द रेल यात्री। आज के वीडियो में मैं आपको ट्रेन नंबर 15547 जयनगर मुंबई अंत्योदय एक्सप्रेस के बारे में जानकारी दूंगा। इस वीडियो में मैंने इस ट्रेन के रूट, ये ट्रेन कब चलती है, कौन कौन से स्टेशनों पर रुकती है, कितनी देर रुकती है, इस ट्रेन में आपको कौन कौन सी सुविधाएँ मिल जाएंगी, इस प्रकार की सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी हुई है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube चैनल द रेल यात्री को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे नए और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आपको ट्रेन नंबर 15547 जयनगर मुंबई अंत्योदय एक्सप्रेस के बारे में जानकारी देता हूँ। ये ट्रेन बिहार के जयनगर से महाराष्ट्र के लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई तक चलती है। ये ट्रेन हफ्ते में एक दिन हर सोमवार को जयनगर से शाम 6:15 पर चलती है और हर बुधवार को लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई सुबह 7:30 पर पहुंचती है। इस ट्रेन को जयनगर से लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई तक के 1956 किलोमीटर के डिस्टेंस को पूरा करने में 37:15 का समय लगता है। इस पूरी जर्नी में ये ट्रेन 17 स्टेशनों या हॉल्टों पर रुकते हुए लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई पहुंचती है और इस ट्रेन की एवरेज स्पीड 53 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। जैसा कि ये एक अंत्योदय एक्सप्रेस है, इसीलिए इस ट्रेन में किसी भी प्रकार की कोई भी केटरिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस ट्रेन का टिकट आपको जनरल टिकट रिजर्वेशन काउंटर से लेना होगा। अब मैं आपको इस ट्रेन के लोकोमोटिव के बारे में जानकारी देता हूँ। ये ट्रेन दोनों टाइप के लोकोमोटिव, डीजल लोकोमोटिव और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से चलती है जयनगर से लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई तक। ये ट्रेन जयनगर से इटारसी जंक्शन तक डीजल लोकोमोटिव से चलती है और फिर इटारसी जंक्शन से लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई तक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से चलती है। अब मैं आपको इस ट्रेन के रेक कॉम्पोजिशन या फिर कोच कॉम्पोजिशन के बारे में जानकारी देता हूँ। इस ट्रेन में 16 जनरल क्लास वाले कोच इस ट्रेन के रेक कॉम्पोजिशन में होते हैं और किसी भी दूसरी श्रेणी का कोई भी कोच इस ट्रेन के रेक कॉम्पोजिशन में नहीं होता। दोस्तों, मैंने इस ट्रेन के रेक कॉम्पोजिशन वाला पूरा लेआउट अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बनाया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हो कि इस ट्रेन के रेक कॉम्पोजिशन में कोचेस की पोजिशन क्या होती है। ये ट्रेन जयनगर से छूटने के आधे घंटे पहले स्टेशन पर आकर लग जाती है। अब मैं आपको इस ट्रेन के रूट के बारे में जानकारी देता हूँ कि ये ट्रेन कौन से रूट से होकर लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई पहुँचती है और इस ट्रेन को कौन कौन से स्टेशनों या हॉल्टों पर रुकना होता है इस ट्रेन की पूरी जर्नी में। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, ये अंत्योदय एक्सप्रेस हफ्ते में एक दिन हर सोमवार को जयनगर से शाम 6:15 पर चलती है। इस ट्रेन का पहला हॉल्ट मधुबनी, यहाँ पर ट्रेन शाम 6:57 पर पहुँचती है और 7 ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 3 रुकती है। इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट सकरी जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन शाम 7:17 पर पहुँचती है और 7:19 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 2 रुकती है। इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट दरभंगा जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन रात 8:05 पर पहुँचती है और 8:10 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 5 रुकती है। इस ट्रेन का चौथा हॉल्ट समस्तीपुर जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन रात 9:20 पर पहुँचती है और 9:25 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर भी ट्रेन 5 रुकती है। इस ट्रेन का पाँचवा हॉल्ट बरौनी जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन रात 10:25 पर पहुँचती है और 10:35 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 10 रुकती है। इस ट्रेन का छठा हॉल्ट पटना जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन रात 12:45 पर पहुँचती है और 12:55 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर भी ट्रेन 10 रुकती है। इस ट्रेन का सातवां हॉल्ट पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन सुबह 5:14 पर पहुँचती है और 5:29 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 15 रुकती है। इस ट्रेन का आठवां हॉल्ट मिर्ज़ापुर, यहाँ पर ट्रेन सुबह 6:35 पर पहुँचती है और 6:40 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 5 रुकती है। इस ट्रेन का नवा हॉल्ट इलाहाबाद शिवकी जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन सुबह 7:58 पर पहुँचती है और 8 ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 2 रुकती है। इस ट्रेन का दसवां हॉल्ट सतना जंक्शन,
यहाँ पर ट्रेन सुबह 10:50 पर पहुँचती है और 11 बजे ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 11वां हॉल्ट कटनी जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन दोपहर 12:10 पर पहुँचती है और 12:15 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 12वां हॉल्ट जबलपुर जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन दिन में 1:40 पर पहुँचती है और 1:50 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 13वां हॉल्ट इटारसी जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन शाम 5:55 पर पहुँचती है और 6:10 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 15 मिनट रुकती है। यहाँ पर डीजल लोकोमोटिव हटाकर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव अटैच किया जाता है इस ट्रेन में। इस ट्रेन का 14वां हॉल्ट खंडवा जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन रात 8:40 पर पहुँचती है और 8:45 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 15वां हॉल्ट भुसावल जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन रात 10:25 पर पहुँचती है और 10:30 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 16वां हॉल्ट मनमाड़ जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन रात 12:45 पर पहुँचती है और 12:50 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर भी ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 17वां हॉल्ट कल्याण जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन सुबह 6:27 पर पहुँचती है और 6:30 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 3 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 18वां हॉल्ट लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई। यहाँ पर ट्रेन सुबह 7:30 पर पहुँचती है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई इस ट्रेन का डेस्टिनेशन हॉल्ट है, या फिर आप इसे अंतिम स्टेशन भी कह सकते हो। दोस्तों, मैंने इस ट्रेन के किराए और किराए से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी इस वीडियो में नहीं दी है, क्योंकि जितने भी स्टेशनों या हॉल्टों पर रुकते हुए ये ट्रेन लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई पहुंचती है। हर स्टेशन से अलग अलग टाइप का किराया होता है और बहुत सारी श्रेणियों में भी होता है। अगर मैं वो सारी जानकारी इस वीडियो में देता हूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने वो जानकारी इस वीडियो में नहीं दी है। लेकिन अगर आपको किराए और किराए से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप भारतीय रेल के जनरल टिकट रिजर्वेशन काउंटर से आप क्लियर कर सकते हो कि आपका किराया क्या होगा जिस भी स्टेशन से आप इस ट्रेन में सफ़र करना चाहते हो। दोस्तों, अगर आपका इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब दूंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कि वीडियो कैसा था। एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द रेल यात्री चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।